शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शौशनी अभय की याददाश्त मिटी नहीं, सिर्फ गई है। कल को उन्हें सब याद आ जाएगा, उनकी सारी यादें वापस लौट आएगी। फिर क्या होगा? इसीलिए रोशनी, अपने इस जोश में होश मत खो बैठो। इतना मत आगे बढ़ जाओ रोशनी कि तुम्हारे लिए वहां से पीछे लौटना बहुत मुश्किल हो जाए। तुम्हारे कितने इम्तिहान ले रहा है श्रद्धा, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या? कोई भी तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ पाता, ना तुम्हारे इस भरोसे को कोई हिला पाता है। कभी कभी ना इतनी हिम्मत होती नहीं है मुझ में, बस बस सिर्फ खुद को भरोसा दिलाते रहती हूँ। मगर बुआ जी, आज मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी ये हिम्मत भी ना टूट जाए। बुआ जी, इस बारे में ना मुझे अभय से बात करनी ही होगी। बुआ जी, नहीं सदा, अभी नहीं। अभी जिस तरह अभय का दिमाग चल रहा है, सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। अभी अभय की आंखों के सामने रोशनी नाम का बादल छाया हुआ है, जिसकी वजह से उसका आंख, कान, नाक सब कुछ बंद है। वो सिर्फ उस काले बादल के कारण तुमसे नाराज होकर बैठा है। तुम देखना, बहुत जल्दी उसका गुस्सा यूं चौमंतर हो जाएगा। फिर तुम उससे अच्छे से बैठकर बात कर लेना, ठीक है? आज ही रात को अभय से बात करती हूँ, और ये रोज रात को कहाँ के लिए निकल पड़ते हैं उसका भी जरा पता तो चले। ये यूनिफॉर्म कहाँ रख दिया है हमने? इसमें देख लेते हैं। ये फोन भी नहीं मिल रहा। ये फोन भी अभी बजना है। यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा, इस्त्री नहीं किया है हमने। क्या अभी तक मुझसे नाराज हो? आपको क्या लगता है वरुण जी, हमारी लड़ाई पहले भी हुई है वरुण जी, पर आज जो आपने कहा है उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अभी भी नहीं, कीर्ति, मुझे ना पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे गुस्सा आता है और मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ। इस बार अपने वरुण को माफ कर दो प्लीज। वरुण जी, अभी इन सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। शहर में चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें तो लगता है कि वो चोर अगर हमने वरुण जी के सामने बोल दिया कि हमें शक अभय पे है कि वो चोर है, तो घर में तो तूफान ही आ जाएगा। वो चोर? वो चोर
शहर में खुलेआम घूम रहा है और ऐसे में वो शहर वालों के लिए खतरा बन जाएगा। हमारे काम और नाम दोनों दांव पे लगे। 10 दिन में अगर उस गैंग को नहीं पकड़ा तो हमें इस केस से भी हटा दिया जाएगा। हमारी बहुत बदनामी होगी। कीर्ति, तुम बहुत बहादुर हो और अपने काम में माहिर भी हो। तुम देखना, तुम उस चोर को ही नहीं बल्कि उसके पूरे गैंग को भी पकड़ लोगे बहुत ही जल्द। बात पकड़ के ना बैठे हूं अभय, और बस इस वक्त अभय अपने कमरे में हूं। ये रोज रात को अभय कहां चले जा रहे हैं? हम बस 10 मिनट में पहुंच ही रहे। आई रहे कीर्ति, माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं दीदू, वैसे आप इतना ज्यादा परेशान लग रही हैं, जहां कर रही इतनी रात को? कीर्ति, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करूं। अभय अपने कमरे में नहीं है, रोज रात पता नहीं कहां चले जाते, चुपचाप बाहर निकल जाते, उन्हीं को ढूंढने जा रही हूं। ओहो, दीदू गया होगा कहीं बाहर काम से, आ जाएगा। अब क्या हर बार आप उसके पीछे जाएंगी और उसे घर लेकर आएंगी? कीर्ति, तू समझ नहीं रही है, पिछले कुछ दिनों से पता नहीं अभय की आदत बन गई है कहीं चले जाने की, वो चुपचाप कहीं चले जाते हैं। दीदू, उस रात जिस चोर की झलक हमने देखी, आज हमें यकीन हो गया है कि वो अभय ही था। हमने जो बस की थी, ये कैसी बातें कर रही है तू? इस तरह की बातें क्यों करती है? अभय ऐसा कभी नहीं कर सकते, ऐसा करना तो दूर हुआ, ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकते, समझी तू? दीदू देखिए, हमारे कहने से अभय चोर नहीं बन जाएगा और आपके बार बार मना करने से अभय की सच्चाई छिप नहीं जाएगी। अभी अभय घर से बाहर निकला और हमें फोन आया है कि एक और चोरी हुई है, हम वहीं जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा शक यकीन में ना बदल जाए। वैसे इतनी रात को बाहर जाना आपके लिए सही नहीं होगा, कहाँ जाएंगी, कहाँ ढूंढेंगी उसे? आप घर पे इंतजार करिए, अभय से सुबह में बात कर लीजिएगा, ठीक है? हम चलते हैं। तुमने एडवांस में किराया दिया है ना, ये उसकी पहली किश्त, पूरे 20,000 रुपए हैं। हे माता रानी, कहीं अभय सच में तो? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।